गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन आंसर इन द प्रीवियस क्लास एंड टुडे वी विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द पोएम मिस्टर नोबडी। एंड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर यूर सेल्फ, टेक दोज दैट यू डिड टेल यूर फ्रेंड्स। यानी इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें दी गई यहाँ पर जिनमें से आपने जो काम किए हैं, इनमें से जो भी शरारत आपने की है उसको आपको टिक करना है, अदरवाइज नहीं। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप उस पर टिक नहीं करोगे, और जो काम इनमें से आपने किया है उसके ऊपर आप टिक करोगे। ओके, फर्स्ट में दिया है आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। यानी जो गर्ल है ये सोच रही है कि ये घड़ी है जो टिक टिक क्यों कर रही है, वो ये देखना चाहती है वाई द क्लॉक टिक्ड, घड़ी टिक टिक क्यों करती है। अगर आपने ऐसा कभी सोचा है तो आप इसके ऊपर टिक करोगे, अदरवाइज नहीं। द सेकेंड इज आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। मैं रात में जाता हूँ घर से बाहर किसको, सितारों को देखने के लिए, स्टार्स यानी तारों को देखने के लिए। मैं रात में घर से बाहर तारों को देखने के लिए जाता हूँ। अगर आप कभी गए हो, आपने ऐसा किया है तो आप इसके ऊपर टिक करोगे। ओके, आई क्लाइम्ड ए ट्री टू लुक इनटू ए नेस्ट। यानी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ किसको, नेस्ट के अंदर जो एग है उनको देखने के लिए। आई क्लाइम्ड ए ट्री टू लुक इनटू ए नेस्ट, घोंसले में देखने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। आई क्लाइम्ड ऑन ए स्टॉल टू फाइंड बिस्किट्स। ये आई ना बात, ये तो सभी करते होंगे, पक्का करते होंगे बच्चे तो। आई क्लाइम्ड ऑन ए स्टॉल टू फाइंड बिस्किट्स, यानी मम्मी जो अलमीरा के ऊपर बिस्किट रखती है उनको रखने के लिए, उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टूल पर चढ़ता हूँ ताकि मैं बिस्किट को वहाँ से उतार कर खा सकूँ। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज से अलाउड, यानी जोर से बोलना, से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हमें फाउंड करने, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को ढूंढ कर उनको सर्कल करना। ओके, राइमिंग वर्ड्स तो आपको पता ही होगा, दोज वर्ड्स हैव सेम साउंड, जिनके सेम साउंड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। अभी बोल के देखते हैं कि कौन से वर्ड हमें यहाँ पर राइमिंग वर्ड मिलते हैं, राइम मिलते हैं। फर्स्ट है ए माउस रेन इनटू द हाउस, कौन कौन से वर्ड राइम कर रहे हैं, माउस एंड हाउस। सेकेंड सेंटेंस इज आई कैन सी द लिटल बी, सी एंड बी, वी हैव टू सर्कल सी एंड बी। थर्ड वन इज दैट वॉज ए फैट कैट, फैट एंड कैट, फैट कैट आर राइमिंग वर्ड्स, वी हैव टू सर्कल फैट एंड कैट। फोर्थ वन इज गिव मी ए हैंडकरचीफ, डोंट डू एनी मिसचीफ। यानी राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से होंगे, हैंडकरचीफ एंड मिसचीफ। ओके, लेट्स ड्रॉ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो हमें क्या करनी है, एक्टिविटी करनी है, लेट्स ड्रॉ। ड्राइंग का काम है ये, आपको ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ये जो हमें मिस्टर नोबडी दिया गया है उसकी पिक्चर हमें ड्रॉ करनी है। ओके, ये आप खुद कर सकते हो। लेट्स राइट नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट करना हमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ए ई आई ओ यू, जो वोवल हमें दिए गए हैं वो हमें इसमें फिल करने हैं। जो भी वर्ड दिया गया है उसमें वन वन लेटर है जो मिसिंग है, मिस लेटर को हमें लिखना है। ओके, तो फर्स्ट में देखते हैं एच ई डैश है फिर डी है, यहाँ से क्या बन सकता है, हेड। यू हैव टू राइट लेटर ए, फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, लेटर ए, एच ई ए डी, तो क्या बन गया हमारा, हेड। नेक्स्ट है आर्म्स, ए आर एम एस, आर्म्स हमारा बन गया। थर्ड में हमारा क्या बनेगा, एल ई जी एस, लेग्स। नेक्स्ट में है ड्रेस, डी आर ई एस एस, वी हैव टू राइट हियर ई, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई, तो हमारा बनेगा ड्रेस। लास्ट वन इज एच ई
HAIR हेयर, क्या लिखेंगे हम जो मिसिंग लेटर वहाँ पर लिखेंगे A एंड I, तो हमारा बनेगा हेयर. ओके, सेकेंड एक्सरसाइज में एड नो सम एंड एवरी टू द वर्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ड्स. यानी हमें क्या करना है, थ्री वर्ड्स हमें दिए गए हैं, नो सम एंड एवरी, उनको हमें ऐड करना है किसके साथ, बॉडी के साथ. ओके, जो वर्ड हमें दिया है तो फर्स्ट में हम नो लगाकर देखते हैं क्या बनता है, नोबडी. ओके, सेकंड में समबडी एंड थर्ड एवरीबडी. ओके, यहाँ पर आप फर्स्ट में नो डाल दोगे आगे, सेकंड में सम एंड थर्ड में एवरी, तो हमारे थ्री वर्ड्स बन जाएंगे नोबडी, समबडी एंड एवरीबडी. ओके, और थर्ड एक्सरसाइज इज सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस. जो सीमा है वो अपने फादर का नेम है जो वो इस तरह से लिखती है, उसके आगे उसने मिस्टर लिखा है, मिस्टर दिनेश दीक्षित. ये जो एम आर लगा बेटा ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मिस्टर. और जब कोई भी पर्सन होता है, जेंटल पर्सन, या हम रिस्पेक्ट के लिए पर्सन के नेम के आगे क्या लगाते हैं, जेंट्स के नेम के आगे लगाते हैं मिस्टर, और लेडीज़ के नेम के आगे हम लगाते हैं मिसिस. इफ़ सी इज़ मैरिड, अगर वो मैरिड है तभी हम मिसिस लगाएंगे, अदरवाइज हम मिस लगाएंगे. ओके, अगर वो अनमैरिड है तो मिस लगाएंगे, और मैरिड है तो मिसिस लगाएंगे. ओके, आगे राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस. राम है जो अपनी मदर्स का नेम कैसे लिखता है, वो लिखता है मिसिस स्नेहा रामदास. देखो राम ने अपनी मदर के नेम के आगे लगाया ना मिसिस, जो ये एम आर एस लगाया ये क्या है, मिसिस, उसने लिखा है मिसिस स्नेहा रामदास. ओके, आपको भी ये एक्सरसाइज करनी है, राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड. इस कॉलम में जो पिंक कॉलम ब्लैंक है यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अपने फादर का नेम लिखोगे किस तरह से, जैसे सीमा ने लिखा है, मिस्टर लगाकर जो भी आपका फादर का नेम होगा वो आप लिखोगे. राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड. नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या लिखना है, अपने मदर का नेम लिखना है और आगे क्या लगाना है, मिसिज, जैसे राम ने लगाया. ओके, यूज मिस्टर एंड मिसिज टू राइट मोर नेम्स यू नो. यानी जो अदर नेम आप जानते हो वो इन टू कॉलम्स में आपको लिखने हैं, बट उसके नेम के आगे क्या लगाओगे, मिस्टर एंड मिसिज. जेंट्स नेम के आगे आप लगाओगे मिस्टर, और मिसिज जब आप लगाओगे तो ध्यान रखना जो भी मैरिड होगी लेडीज उसी का नेम आप यहाँ पर लिखोगे. ओके, नेक्स्ट हमारी यहाँ पर एक पोइम दी गई है छोटी सी, दी जिग चैक बॉय. जिग चैक क्या होता है, जो ये लाइंस बनी हुई है ऐसे टेडी मेडी टेडी, एक बार उस तरफ जा रही है एक बार उस तरफ, तो उसको हम बोलते हैं जिग चैक. ओके, ये बॉय है जिग चैक, उसकी उससे रिलेटेड हमारी ये पोइम है, एक बार इसको रीड करके देखते हैं. आई नो ए लिटल जिग चैक बॉय हु गोज दिस वे एंड दैट, ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. Okay? इस तरह से आप भी एक बार इस poem को recite करके देखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, can you make zigzag line, see how the zigzag boy runs. यानी zigzag boy है जो वो कैसे run करता है वो आप zigzag lines बना के देख सकते हो. zigzag lines ये नीचे हमारी बनाई गई है, इस तरह से आप बना सकते हो. ओके, लेट्स प्रैक्टिस, ये आपका राइटिंग का प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इसको आप रिटर्न करके प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय स्टूडेंट्स.